मल्टीटू फन पर यह खाने से भरी चुनौती देखने का समय है। यह सभी आकार में होंगे, छोटे से लेकर विशाल आकार के। तो फिर आराम से बैठ जाइए और मजे लीजिए। चलो जेस, तुम पहले शुरू करो। उफ बेकार, चुनौती अभी शुरू हुई है और मुझे एक मिर्च मिल गई। कम से कम ये आशा करती हूँ कि बहुत तीखी ना हो। अरे नहीं, ये बहुत तीखी है, बहुत ही ज्यादा तीखी। मुझे तुरंत कुछ पीने के लिए चाहिए। ओह, ये भयानक था। ओह बेटी, अब तुम्हारी बारी। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारी छोटी सी मिर्च इतनी तीखी थी तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि यह कितनी तीखी होगी। पर मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है कि इस मिर्च के तीखेपन को कम कैसे करना है। मुझे बस इसे किसी स्वादिष्ट मीठी चीज में डुबोना होगा। वाह, अच्छा सोचा। आशा है कि यह काम करे। ओह नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। ये बहुत तीखी है, इसे तुरंत भिजाना जरूरी है। धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना मैं जल ही जाती। एमा, अगर तुम में हिम्मत है तो ढक्कन उठाओ। ओह, मुझे सबसे ज्यादा बड़ी मिर्च मिली है। नहीं, मैं किसी हाल में ये नहीं खा सकती, ये बहुत ज्यादा है। हम सब ने खाया है तो तुम्हें भी खाना होगा। आशा करती हूँ कि मैं जलूं नहीं। ओह, ये जल रहा है, कुछ करो जल्दी, बचाओ। मदद, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर कैसे? इसके लिए मुझे कुछ बड़ा चाहिए। पर क्या, यह आग बुझाने वाली मशीन है, यहाँ एक है। धन्यवाद, पर अब मैं पूरी तरह से फोम से ढकी हुई हूँ, लेकिन मैं जली नहीं। बस इतना ही, ये छोटी सी आँख। ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर तुमसे ज्यादा किस्मत वाली निकली। मेरे पास ज्यादा है, तुम सबसे ज्यादा किस्मत वाली मैं हूँ। देखो मेरी आँख कितनी बड़ी है। लेकिन सबसे छोटी आँख वाला शुरू करेगा और वह तुम हो ऑस्टिन। मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे विशेष रूप से सिरप पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं बस इसे खाते रहना चाहता हूँ। यह समझ आता है कि आग स्वादिष्ट है, पर फोक क्यों खा रहे थे? मैं बस भूल गया था, ये आग बहुत स्वादिष्ट थी। एमा, तुम्हारी बारी। आखिरकार मैं इसे जल्द से जल्द खा लेना चाहती हूँ। इसे बस फोक में लगाना है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मेरे फोक में आ सकते हो? मैं थक गई हूँ। अरे ओह, लगता है मुझे और ट्रीट मिल गए हैं। इसके तो तुम सपने देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं इसे फोक से नहीं खाऊंगी, ये मेरे वश की बात नहीं है, मैं इसे हाथ से खाऊंगी। जरा देखो इसके अंदर कितने सिरप है, इसे जल्दी से जल्दी पीना चाहिए। वाह, इसे कहते हैं स्पीड। ऐसा इसलिए है कि मैं सच में इस आग को खाना चाहती थी। जब तुम खा चुकी हो तो अब समय है मेरे विशाल आग को खाने का। मुझे लगता है कि मैंने इसे जल्दी से एक कांटे पर रखने का एक तरीका निकाला है। बस इतना ही, 2 सेकंड और यह आग इस कांटे पर, अब इसका मजा लिया जा सकता है। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मैं भी इसमें से कुछ ले सकता हूँ। वैसे ये कमाल का है, मेरी आग क्यों खा रहे हो? मैं बस थोड़ा सा। तुम्हारे साथ ठीक हुआ, तुम वही जमीन पर पड़े रहो और मैं ये आग खाती हूँ। और फिर भी मैं अपने लिए एक टुकड़ा लेने में कामयाब रहा। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। और इतनी कोशिश के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, ये सही नहीं है। अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं पहले ढक्कन खोलूं। लगता है कोई पूरी एक किटकैट खाएगा। हंसना बंद करो, ये अफसोस की बात है। मैं तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी मुश्किल से देख पाऊंगी। ये एक बाइट से भी कम है। बेशक किटकैट बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम है। तुम
किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, पर मेरी तो है। मेरे पास देखो कितने सारे चॉकलेट हैं। तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो। मैं शेयर कर सकती हूँ पर करूंगी नहीं। मुझे किटकैट बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद खुशी खुशी इसे खाऊंगी। तब मुझे लगता है कि मैं चुपके से ये उठा लूंगी। ओह, मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि हाथ कहाँ से आया। आखिरकार मैं भी किस्मत वाली हो गई। अब मैं एक नहीं दो चॉकलेट खाऊंगी। बहुत बढ़िया, मेरे पास अभी भी और है। मेरे सारे किटकैट कहाँ गए? मुझे पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने नहीं लिए हैं। चोर! दोस्तों, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखो कि मेरे पास क्या है। अजीब है, मेरा चॉकलेट कहाँ है? यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे, चॉकलेट किधर है? ओ, यह रहा। और यह काफी बड़ा भी है। वाह, तुम सच में किस्मत वाली हो। हाँ, इसे ही जीवन कहते हैं। इसे ठीक से खाने के लिए, ताकि यह इधर उधर गंदगी ना फैलाए, मुझे एक नैपकिन की जरूरत होगी। मुझे इसे काटने के लिए एक आड़ी की जरूरत भी होगी। अब मैं यह स्वादिष्ट चॉकलेट बहुत आराम से खा सकती हूँ। यह लाजवाब है। हमें भी इस स्वादिष्ट ट्रीट को खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ओ, मेरा पेट काफी भर गया है। हाँ, हम ये तुम्हारे विशाल पेट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कितने अफसोस की बात है, मेरा मशरूम इतना छोटा है। और मुझे मेरा पसंद है, ये बहुत बड़ा है। वाह, लेकिन सूजी का और भी बड़ा है। हाँ, सच में ये काफी बड़ा है। और ये पूरा मेरा है। बहुत बढ़िया, पर जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट है वह शुरू करेगा। तो एमा शुरू करेगी। मैं तैयार हूँ। बेशक मैं इसे ऐसे ही नहीं खाऊंगी, मैं इसे काफी रोमांचक तरीके से खाऊंगी। ओ बेकार, मैं सोच रही थी कि इसे मुंह से पकड़ लूंगी। अब मुझे जमीन पर से उठाकर खाना होगा। छी, ये इतना गंदा लग रहा है। आखिर फर्श पर इतने बाल क्यों होते हैं? ठीक है, मैं इस बाल को हटा सकती हूँ। तुम अपने गंदे मशरूम खाओ। यह गंदा कहाँ है, बस थोड़ी सी धूल लग गई है। वैसे ये अभी भी स्वादिष्ट है। ऑस्टिन, अब तुम्हारी बारी। आखिरकार मैं इस मशरूम को जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसकी चॉकलेट टोपी बहुत मस्त है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम इसे अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। ये कितना गंदा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि तुम चॉकलेट खा रहे हो। एमा, क्या तुम्हें अभी भी यह चाहिए? वास्तव में नहीं, धन्यवाद। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे पहले ही खा लिया हो। तब फिर मैं ही इसे पूरा खा लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि कैसा दिख रहा है, मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। सूजी, अब केवल तुम ही बची हो। मैं इस मशरूम को जल्दी खत्म कर दूंगी। ओह, यह मैंने तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे खाने के लिए मुझे बस इसे जोर से तोड़ना होगा। यह लो मशरूम, टेबल मत तोड़ देना। मैं बस इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कुकी वाले हिस्से को खाना नहीं चाहती। मैं इस चॉकलेट पर अपना ध्यान लगाती हूँ, जो तुमने सारा हमारे ऊपर लगाया हुआ है। ओ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो। हम गुस्सा नहीं होंगे अगर तुम हमें कुछ चॉकलेट दे दो तो। अपने हाथ दूर रखो, ये तुम्हारे नहीं है। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं पहले अपना ढक्कन खोल सकती हूँ? वाह, मुझे अभी भूख महसूस हो रही थी और अभी मिल गया। पर इसमें किसी चीज की कमी है। ठीक है, अब यह एकदम सही है। स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने इसे खा भी लिया।
ये अच्छा हुआ क्योंकि इसका मतलब अब मैं अपना ढक्कन खोल सकती हूँ। वाह, मेरे पास भी हॉट डॉग है, पर मेरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है और स्वादिष्ट भी। ये खाने में इतना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इसे खाकर मन खुश हो जाएगा और इसके लिए केचप एकदम सही रहेगा, इसलिए इसमें जल्दी से थोड़ा केचप डालना होगा। पर जब दोनों हाथ भरे हुए हो तो फिर कैसे करें? उफ, इस बेकार केचप ने सब खराब कर दिया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे वाह, देखो यह क्या है। वाकई यह बहुत बड़ा है और मैं सोच रही थी कि मेरे पास सबसे बड़ा हॉट डॉग है, पर ऐसी बात नहीं है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हॉट डॉग है और केचप यहाँ भी काम आएगा। यह सच है कि मैं इसे उठा नहीं सकती क्योंकि यह काफी लंबा है। अच्छा होगा कि इसे दो टुकड़ों में काट दिया जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसे खाना और आसान हो जाएगा। ओ, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कितना इतरा रही है। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे हॉट डॉग में टबैस्को डाल दूं तो इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। देखते हैं तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये बहुत ही मस्त शरारत है, मुझे लगता है तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। मैं इसे हर समय खा सकती हूँ। ओह, यह क्या, यह इतना तीखा क्यों है? जेस, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? यह तुमने ही किया है ना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं खा कर बताती हूँ। ओह, यह सच में बहुत तीखा है। बचाओ, इस आग को बुझाओ, यह जल रहा है। क्या तुमने सबक सीख लिया? मल्टी डू फन पर आप हमेशा सबसे अच्छे और सबसे दिलचस्प चुनौतियाँ को पा सकते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहें।